रियलिटी शो बिग बॉस OTT 2 अपनी शुरुआत से ही चर्चा में है। शो के सभी कंटेस्टेंट अक्सर अपने झगड़ों और एक दूसरे के साथ अपनी रोमांटिक केमिस्ट्री को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। हालांकि शो में कभी कभी इमोशनल पल भी देखने को मिलता है जब कोई कंटेस्टेंट अपनी पर्सनल लाइफ का जिक्र करता है। हाल ही में कंटेस्टेंट जिया शंकर, जो अपने परिवार की बात आने पर हमेशा चुप रहना पसंद करती हैं, उन्होंने आखिरकार अपने दोस्त अभिषेक मलहान के साथ इस पर खुलकर बात की। नॉमिनेटिंग के लिए जिया ने अविनाश को चुना और उनके साथ झगड़ा हो गया। इसके बाद कंटेस्टेंट अभिषेक मलहान ने उन्हें समझाने की कोशिश की और कहा कि उन्होंने एक अच्छे दोस्त को नॉमिनेट करके गलत किया। हालांकि जिया की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि वे अपने लिए गेम खेलना चाहती हैं क्योंकि उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आगे उन्होंने बताया कि उनके पास सिर्फ माँ है और उनके परिवार में कोई पुरुष नहीं है। अभिषेक मलहान ने उन्हें सांत्वना दी और उनसे पूछा कि क्या उनका कोई भाई है। इस पर जिया ये कहते हुए इनकार कर देती और कहती है कि परिवार में सिर्फ उनकी माँ और वो है। उन्होंने ये भी बताया कि बिना पिता के अपने पूरे जीवन में उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अभिषेक ने उन्हें सांत्वना दी और शांत कराया। फिलहाल अब बिग बॉस OTT 2 अपने अंतिम पड़ाव पर है, तो देखना होगा कि कौन इसका विनर होगा। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएगा। बिग बॉस OTT से जुड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिग बॉस OTT 2 सीजन 2 की हर खबर से अपडेट रहने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।